पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर ने मसले कश्मीर के मामले पर अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास को बेसूद करार दे दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर ने कहा कि 50 साल के बाद अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा ने 50 साल बाद होने वाले इस तारीखी इजलास से मुतलिक कोई बयान जारी नहीं किया। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अराकीन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जनूबी एशिया को तबाही के दहाने की जानिब धकेल रहे हैं। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इकदाम और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। इजलास में अक्वामे मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल जबकि 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने शिरकत की। इजलास में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सलामती कौंसिल के अरकान ने इत्तफाक किया कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़िया इलाका है और यह मसला भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। वाज़ह रहे, अमेरिका, रूस और बरतानिया ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से मुतलिक चीन की हमायत की थी और कहा था कि कश्मीर के मामले पर ओपन सेशन बुलाया जाना चाहिए, जबकि फ्रांस ने भारत की हमायत करते हुए ओपन सेशन की मुखालफत की थी। ख्याल रहे कि सलामती कौंसिल के 15 अराकीन हैं, जिनमें से 12 अराकीन ने ओपन सेशन की हमायत की है।